आमिर खान ने अपनी फिल्मों से जनता को एक से एक नए लुक्स दिए हैं। रंग दे बसंती से लेकर फना और गजनी तक आमिर ने जब भी स्क्रीन पर नया लुक ट्राई किया तो जनता ने उसे खूब फॉलो किया। लेकिन अब अपनी रियल लाइफ में आमिर का लुक सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रहा है। कई लोग तो इस लुक में तस्वीरें देखकर पहचान ही नहीं पा रहे कि ये आमिर ही हैं या कोई और। सोशल मीडिया पर आमिर की नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपनी कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस के ऑफिस में पूजा करते नजर आ रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने इंस्टाग्राम पर पूजा की तस्वीरें शेयर की, जिनमें आमिर कलश पूजन कर रहे हैं। पूजा के बाद वो आरती भी कर रहे हैं और इसमें उनके साथ उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी हैं। इन तस्वीरों में आमिर के बाल, दाढ़ी और मूंछ सब एकदम सफेद नजर आ रहे हैं। पूजा करते हुए आमिर ने एक नेहरू टोपी लगाई है और उनके गले में एक गमछा भी है। सोशल मीडिया पर आमिर के इस ऑलग्रे लुक पर जनता के कमेंट्स बहुत दिलचस्प हैं। एक यूजर ने लिखा, मैंने नाम नहीं पढ़ा था और मुझे लगा कि शक्ति कपूर हैं। वहीं एक दूसरे यूजर को साउथ के एक्टर जगपति बाबू की याद आ गई, जिनका लुक इसी तरह है। इस यूजर ने लिखा, भाई ये तो साउथ एक्टर जगपति बाबू जैसे लग रहे हैं। एक्टिंग से ब्रेक पर हैं आमिर। अद्वैत चंदन ने अपनी पोस्ट में ये नहीं बताया कि आमिर खान प्रोडक्शंस के ऑफिस पर ये किस चीज के लिए पूजा रखी गई। लेकिन तस्वीरों में सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आमिर की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है कि वो एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो एक डेढ़ साल बाद एक्टिंग में लौटेंगे। हालांकि इस बीच बतौर प्रोड्यूसर वो पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। तस्वीरों में आमिर और किरण राव साथ खड़े होकर आरती करते भी दिख रहे हैं। किरण ने आरती की थाली पकड़ी है और आमिर हाथ जोड़े खड़े हैं। आमिर और किरण ने पिछले साल अपनी 15 साल की शादी खत्म कर ली थी और अलग हो गए थे, लेकिन दोनों अब भी अपने बेटे आजाद को साथ में बड़ा कर रहे हैं। पार्टियों, एयरपोर्ट वगैरह पर अक्सर साथ दिख जाते हैं। अजिंक्य नाम के भाई साहब ने लिखा, अरे ई का हो रहा है, ये तो पीके मूवी में बताए थे कि ये सब फ्रॉड होता है, अब ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, पेट पे लात पड़ी तब लाल सिंह चड्ढा की चड्ढी उतर गई, तो ये भी अब इस सब करने लगे। एक यूजर ने लिखा, बॉयकॉट का डर बाबू भैया, बॉयकॉट का डर।